खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाँह पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। ये समझना हमको है, शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है, शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है, उसके द्वार पर आया खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहु पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहु तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देव लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है, बुलाओगे दौड़ कर आएगा, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है जो कंकर कंकर में बसा हुआ है, उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया, जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर फिका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया उसकी जिंदगी संवर गई है, जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव, जो जान गया शंकर को उसकी जिंदगी बन गई, जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के, 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा, कल चौथा, परसों पांचवा, कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी, परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी, 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सुबेरे सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, जो लड़ने वाले हैं झगड़ा करने वाले हैं वो यहीं की दहीं धरे की धरे रह जाएंगे, जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और पटोर कर ले गया, जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा रह गया, जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया, महादेव से मांग लिया बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब मोहन मते भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे, गुरु जी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खा लिए, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी। किसने बताया था? है अच्छा पीछे हैं वो, उन्होंने बताया था, हम जहाँ भाऊ के यहाँ रुके हैं ना, विधायक जी के यहाँ, आमदार जी के यहाँ, वहाँ उनके यहाँ बता रहे थे ऐसा। तो ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर, क्या देगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, आप दिल से सुन लो, दिल से सेवा करने का मौका मिले दिल से सेवा कर लो, पानी पिलाने का मौका मिले दिल से पानी पिला लो, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है, 5 दिन मिले थे, दोनों हाथों से जिसको जो खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, भोजन करा सकते थे, खिचड़ी खिला सकते थे खिला लो,
पांच दिन मिले हैं, इस दिल से जितना लुटा सकते हो लुटा लो और एक डायरी में लिख के रख लो कि मैंने 50 रुपए का पानी पिलाया, उस 50 रुपए का 1.5 महीने इंतजार करना, वो कितना देता है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लिख कर भी रखना, तारीख लिखना कि इतनी तारीख को मैंने इतना खिलाया था, एक पाउच पानी का पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी या एक दोने में मैंने प्रसाद किसी को खिलाया था, मैं घर से पूड़ी बना कर ले गई थी, किसी को भोजन करा दिया, शंकर का कोई भक्त कथा सुनने आया था उसको मैंने पूड़ी, मैंने पूरण पोड़ी, मैंने आमठी, जो भी तुम बनाए हो वो मैंने बाबा को दी, उसका फल क्या होता है वो अपने अंदाजे में रखिएगा। क्या देता है शंकर, क्या नमुची, नमुची शिव की। कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का शिवजी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था, एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी, देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, मालूम है आपको, आपको मालूम है कि नहीं, रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता, शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता, शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है, 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी, 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाए तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता, वो एक एक कंकर में कणकण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया, ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं, अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, 1000 शिवलिंग बनकर बैठ गए, वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है, दूसरे देवता की मूर्ति होगी टूट गई खंडित कहलाती है, पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता।
एक एक कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए, महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है, माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले वो लेकर पहुंच जाता, शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है, वो बिजली महादेव। साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती, और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिव आनंद। उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो, वापिस नहीं जोड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा, वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करी नर समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा, उठाओ जरा हाथ। जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी हो तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई, शिव जी पे चढ़ी थी पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई, वो खंडित नहीं कहलाती। शिवजी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला
तो वो पूरी बेलपत्र खिलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का, दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है,